मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 10 हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? लाइट। क्या चल रहा था? लाइट। तो लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। लाइट के अंदर हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे? लेंस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लेंस पढ़े थे। लेंस के अंदर हमने दो टाइप पढ़े थे। लेंस के अंदर हमने दो टाइप पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा पढ़ा था? कॉन्वेक्स। और एक हमने पढ़ा था कॉनकेव लेंस, कौन सा पढ़ा था? कॉनकेव लेंस पढ़ा था। ये जो कॉन्वेक्स लेंस था, ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, ये लाइट को कन्वर्ट करता था। ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था वो लाइट को क्या करता था? कन्वर्ट करता था। और ये जो हमारा लेंस था वो लाइट को क्या करता था? डाइवर्स करता था। डाइवर्स करता था, ठीक है। ये जो लेंस होते हमने नाम देखे थे, इनके टाइप देखे थे। आज हम मिरर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मिरर्स पढ़ते हैं। मिरर्स के बारे में देखते हैं। प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इसकी हम बात करेंगे। ये वर्क करता है रिफ्लेक्शन पर। ये किस पे वर्क करता है? रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। दूसरी बात, इसकी एक सरफेस कैसी होनी चाहिए? इसकी सरफेस होनी चाहिए पॉलिश्ड। कैसी होनी चाहिए? पॉलिश्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन पे, लाइट के रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। सरफेस पॉलिश होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं इसके टाइप, अगर हम इसके टाइप की बात करते हैं तो इसमें होते हैं दो टाइप। इसमें टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर, और एक होता है कॉनवेक्स मिरर। एक कौन सा होता है? कॉनवेक्स मिरर होता है, ठीक है। लाइट के रिफ्लेक्शन में काम करता है। सरफेस इसकी पॉलिश होनी चाहिए। दो टाइप होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉनवेक्स। अब अगर हम ये देखते हैं कि ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टेड मिरर के दो टाइप होते हैं, देखते हैं। नाम हमने लिख लिया। तो एक ऐसा मिरर जिसकी जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होना है, एक ऐसा मिरर जिसकी जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होना है वो इनवर्ड्स है। वो कहां बेंट हुई पड़ी है? इनवर्ड्स बेंट हुई पड़ी है। तो वो तो क्या होगा? कॉनकेव मिरर। क्या होगा? कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये जो कंडीशन बताई है मैंने, ये जो मैंने कंडीशन बताई है वो होगी कॉनकेव मिरर, वो होता है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिरर की जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मिरर की जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होना है वो आउटवर्ड्स है। कहां है? हाउ मेनी एक आउटवर्ड्स है। तो ये जो मिरर होगा ये होता है कॉनवेक्स। ये जो मिरर होता है ये क्या होता है? कॉनवेक्स होता है, ठीक है। दो टाइप हमने पढ़े, कौन-कौन से था? एक कॉनकेव था, एक कॉनवेक्स था। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर की जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, कॉनकेव मिरर की जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है वो कहां होती है? इनवर्ड्स होती है। कहां होती है? इनवर्ड्स होती है। कॉनवेक्स अगर हम मिरर की बात करें, कॉनवेक्स मिरर की हम बात करें, तो उसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होना है वो कहां होती है? आउटवर्ड्स होती है। कहां होती है? आउटवर्ड्स होती है। अब अगर हम बात करें मिरर और लेंस की, तो लेंस की अगर हम बात करें, सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखें, तो लेंस जो काम करता है वो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर नहीं काम करता। लेंस का जो बेस होता है, उसका जो प्रिंसिपल होता है वो रिफ्लेक्शन नहीं होता मिरर की तरह। वो क्या होता है? वो होता है रिफ्रैक्शन। वो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। अब लेंस की बात करें हम, तो लेंस में एटलीस्ट वन सरफेस कर्व होना चाहिए।
लेंस में एटलीस्ट वन सरफेस कैसी होनी चाहिए, एक सतह मुड़ी हुई होनी चाहिए, कम से कम एक सतह मुड़ी हुई होनी चाहिए। और लेंस किसके बेस पर काम करता है, रिफ्रैक्शन के बेस पर काम करता है। अब अगर हम लेंस की टाइप की बात करें, अगर हम लेंस के टाइप की बात करें तो वहां भी दो टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स और दूसरा टाइप होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये जो कॉन्वेक्स होता है इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस, इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। और ये जो कॉनकेव होता है इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस, इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। ठीक है, ये लेंस में और मिरर में क्या हुआ, छोटा सा क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। क्या हुआ, डिफरेंस हुआ कि ये तो मिरर के रिफ्लेक्शन पे, ये रिफ्रैक्शन पे, इसकी सरफेस पॉलिश होती, इसकी सरफेस पॉलिश कर नहीं होती। और अगर एक बार हम देखें तो जो मिरर होता है ओपेक होता है, क्या होता है, ओपेक होता है। लेकिन ये जो लेंस होते हैं, ये जो लेंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये जो लेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन, एटलीस्ट वन सरफेस कैसे होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए, इनकी सरफेस पे क्या होना चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव को कहते हैं डाइवर्जिंग। अब आगे हम चलते हैं कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव जो मिरर होते हैं उसके हम यूज की बात करते हैं या उसकी आवश्यकता की बात करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हमारी बुक में बताई गई, वो क्या बताई गई है, सर्च लाइट्स में, सर्च लाइट्स में और टॉर्च में, इसे बताई गई है टॉर्च में। और ईएनटी में जो डॉक्टर यूज करता है, ईएनटी में जो डॉक्टर मिरर यूज करते हैं, ईएनटी मींस ई का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब हुआ ईयर, ई का मतलब क्या हुआ ईयर, N का मतलब क्या हुआ नोज हुआ, और D का मतलब क्या हुआ थ्रोट हुआ। तो ENT में जो मिरर यूज में आते हैं कॉनकेव, टॉर्च में जो आते हैं कॉनकेव, सर्च लाइट में जो आते हैं कॉनकेव, और व्हीकल्स की हेडलाइट्स में जो आते हैं वो भी कौन से होते हैं, कॉनकेव, कौन से होते हैं कॉनकेव। तो ये कॉनकेव का इंट्रोडक्शन हुआ, ये उसकी एप्लीकेशन भी, ये कॉनकेवेक्स का, ये सिर्फ कॉनवेक्स का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, ये लेंस की मिरर के क्या हुए, टाइप हुए, ये लेंस क्या प्रॉपर्टीज, ये लेंस की प्रॉपर्टीज, ये दोनों में क्या है स्मॉल डिफरेंस, ये दोनों में क्या है एक स्मॉल डिफरेंस, लेंस एंड मिरर, लेंस एंड मिरर। नेक्स्ट वीडियो में हम, या नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर, इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर। ओके, थैंक यू।